Prochasan Islamic scholars and our respectable poets and our gentle person, our equal to age, dear children and my mother's sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله العزيز الغفار والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد نور الأنوار وعلى آله وأصحابه الأبرار الأخيار وعلماء أمته وأولياء طريقته وقراء كتابه وعلينا معهم إلى يوم القرار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے عرب کے سورج عجم کے چاند مکی سردار مدنی تاجدار ہم گنہگاروں کے خریدار حبیب پروردگار جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی سعادت حسنہ حاصل کر لیجئے. پڑھیے بابا ز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرات یہ وادی سرکار اس قبیلے کا یہ شعر سماعت کریں آپ. مدینہ رات میں کیسا دکھائی دیتا ہے. اور آپ نوٹ بندی سے گزر چکے ہیں, ذرا ادھر دیکھیا اور ادھر بھی دیکھیا. سادات کرام کو دیکھیں آپ اور یہ شعر دیکھیں آپ کہ بہو سے نوٹ چلے بند ہو گئے. حضور فاضل یمن صاحب دیکھیں آپ کہ بہو سے نوٹ چلے. حضور رئیس ملت کو دیکھیں, حضور معین المشائخ کو دیکھیں کہ بہو سے نوٹ چلے بند ہو گئے. لیکن بہو سے نوٹ چلے بند ہو گئے علی کے نام کا, علی کے نام کا سکہ دکھائی دے. وہ نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, علی کے لالوں کا سکہ دکھائی دیتا ہے. ہمارے غوث کا, ہمارے غوث کا سکہ دکھائی دیتا ہے.
हमारे गौस का हमारे ख्वाजा का सिक्का दिखाई देता है हमारे गौस का। और एक शेर और समाप्त कर ले आप कि नबी के खून का रिश्ता दिखाई देता है नबी के खून का रिश्ता दिखाई देता है हसन हुसैन का हसन हुसैन का जलवा दिखाई देता हसन हुसैन का हसन हुसैन का जलवा। और इस कबीले का आखिरी शेर हुजूर मोइनुल मशाइख को मैंने देखा है बंबई महाराष्ट्र में, शायद ही कोई जलसा हो जिसमें सरपरस्ती ना हो। अब ये बात और एक हुजूर अगर सबको ज्यारत करा दे तो अलग बात है। शेर देखें आप, हुजूर क्या फरमाते हैं कि दुरूद पढ़ते हुए नींद जिसको आ जाए दुरूद पढ़ते हुए नींद जिसको आ जाए उसी को ख्वाब में तैबा दिखाई देता है उसी को ख्वाब में उसी को ख्वाब में। This point tonight, my topic, afala yatadabbarun al-Quran. दोस्तों ये तो दारुल उलूम देख रहे हैं जिसके धमक सिर्फ हिंदुस्तानी में नहीं है माशाल्लाह पूरी दुनिया में। तो ये जो मदरसा है ये आपसे कह रहा है कि आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञान विज्ञान की दुनिया है, हिकमत और साइंस की दुनिया है, प्रतियोगिता के संसार में इल्मी मुकाबले में रब्बे कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है कि अगर सारे मजाहिब के लोग अपना अपना चराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए। अरे बोलो भाई, एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए तो ऐसा मजमून हो जाएगा वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाएंगी। ये मदरसा आपसे कह रहा है कि नॉलेज कंपटीशन के जमाने में हर मुसलमानों पे फर्ज है कि मुख्तलिफ उलूम फनून मुख्तलिफ तहजीबों मुख्तलिफ जबानों का मुताला करें। Different knowledge, different culture and different language. उसके बाद इस्लाम की गालिब तहजीब को अपनी जिंदगी में इस कदर रवा कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी जिंदगियों पर इस्लाम की लहर छा। वाह वाह वाह, जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के जमाने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। दोस्तों ये मदरसा आपसे कह रहा है कि कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है मगर हमारे पास वो नजर नहीं है कि हम कुरान पाक की हकीकत को देख सकें। खुदा की कसम कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज। बेशक बेशक, हीरा इतने कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं। कोई शकर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं। कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है, कुरान नूर है, कुरान शोर है, कुरान 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 गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है और हारे हुए जितवाना जानता है। जो लोग कुरान पे इतराज करते हैं वो दो तरह के लोग होते हैं, या तो वो जाहिल हैं और अपनी जहालत की वजह उनको पता ही नहीं है और अपनी जहालत की वजह से इतराज कर रहे हैं, या तो वो झूठ बोल रहा है। तीसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं है, या तो वो झूठा है या वो जाहिल है, उसको मालूम ही नहीं है। और जब वो दलील से बातें नहीं कर पाते हैं तो कहते हैं हम कुरान को जलाएंगे। अरे नादान, तू जलाने की बात करता है, अमेरिका हो, बर्तानिया हो, लंदन हो, फ्रांस हो, चीन हो, जापान हो, इन सारे ममालिक में लोग कुरान को चूम भी रहे हैं, सीने से भी लगा रहे हैं और पढ़कर ईमान भी ला रहे हैं। आज दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे PhD कर रहे हैं। उन लोगों को कहना है कि दुनिया में जिसका सबसे ज्यादा
ہے وہ قرآن پاک ہے جس کا سب سے زیادہ احترام کیا جاتا ہے وہ قرآن پاک ہے جس کو سب سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے وہ قرآن پاک ہے جس کے سب سے زیادہ ریفرنس دیے جاتے ہیں وہ قرآن پاک ہے مشرق سے لے کے مغرب تک شمال سے لے کے جنوب تک پوری دنیا میں 24 گھنٹے جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن پاک ہے تبھی تو حضور رئیس ملت پوری دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری عرص سرکار شاہ میرا عظمت قرآن جانشین مخدوم سمنا کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو اور دیکھیں آپ قرآن پاک جو کتاب ہے نا یہ وہ کتاب ہے جو انسانوں کے ہدایت کے لیے اتری ہے سبحان اللہ اور اس کی تائید سپورٹ تصدیق صرف حضور رئیس ملت نہیں کر رہے ہیں جانے چمن نہیں کر رہے ہیں معین المشائخ نہیں کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحبی نہیں کر رہے ہیں سید ظہیر صاحبی نہیں کر رہے ہیں یہ ہمارے سید صاحب نہیں کر رہے ہیں یہ تمام علماء ہی نہیں صرف مسلم نہیں اپنے تو اپنے غیر بھی تعریف کرتے نظر آ رہے ہیں واہ حق کی آواز دو نیئر بوسٹن سٹی ہارورڈ یونیورسٹی پرانے امریکہ کے پرانے ویلی یونیورسٹیوں میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی کا نام ہے ہارورڈ یونیورسٹی جو بیسٹ ہائر ایجوکیشن کے لیے مانی جاتی ہے آپ کو معلوم ہے اس یونیورسٹی کے دروازے پر قرآن کے سچے ہونے کا اچھے ہونے کا لاجواب ہونے کا لارائب ہونے کا اقرار نامہ لکھا ہوا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے اس کے دروازے پہ لکھا ہے If you want to get the knowledge of the world please recite the Quran دنیا والوں اگر تم دنیا کے سارے سبجیکٹ پر حاوی ہونا چاہتے ہو اور پوری دنیا میں امن و امان کا جھنڈا گاڑنا چاہتے ہو تو قرآن کو پڑھو سارے سبجیکٹ پر حاوی سبحان اللہ ماشاءاللہ مشن کو لے کر حضور رئیس ملت پوری دنیا کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں جب میں نے اس کے ترجمے تفسیر پڑھنا شروع کیا تو میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں When I started studying اور جس کو اگر دیکھنا ہو تو ڈاکٹر موریس بکائی کی کتاب دیکھ لیں The Quran and Modern Science When I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran I explain you my experience the knowledge of zoology from Quran biology from Quran psychology from Quran hydrology from Quran embryology from Quran oceanology from Quran water cycle from Quran pan receptor from Quran big bang from Quran general science from Quran physical science from Quran medical science from Quran خدا کی قسم دنیا میں جتنے علوم ہیں سب کا سر چشمہ قرآن پاک ہے پڑھو اور بے شک بے شک واہ 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 آپ لوگ مس کال مت ماری مکمل نعرہ لگایا کیجیے سبحان اللہ یہ دیکھیے القرآن دا الٹیمیٹ میریکل یہ ایک بک ہے لکھنے والے ایک بہت بڑے مناظر ہیں انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں سیم یو ایس سائنٹسٹ بلٹ اے لارجسٹ سپر کمپیوٹر ان 1975 called
Kirivan supercomputer in 1975. Al Quran Ultimate Medical Book में लिखा हुआ है कि 1975 में अमेरिका के साइंटिस्टों ने, साइंसदानों ने एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है किरीवन सुपर कंप्यूटर। और इतना पावरफुल कंप्यूटर है शाहमीरा के वादी में आने वालों, इतना पावरफुल कंप्यूटर है कि आपको किसी चीज को जांचना होना तो इसमें डाल दो, एक सेकंड में 88 करोड़ एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा। 8 करोड़ एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा कौन? सुपर कंप्यूटर किरीवन। इसमें लिखा हुआ है कि कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया और उससे पूछा गया। कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया और कंप्यूटर से पूछा गया, पूरी दुनिया के लोग सुने जो छुप छुप कर कमरों में यूट्यूब पर इस्लाम कुरान के खिलाफ बकवास करते हैं वो आकर के वादिये शाहमीरा से अपनी दवाई लेते जाएं, हुजूर हकीम मिल्लत रईस मिल्लत के दरबार में वो दवा मिल रही है। अपने अकीदे को सही करें। तो सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके कंप्यूटर में डाला गया और चिप में डाला गया और पूछा गया, क्या पूछा गया? सुनो और झूमो। इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान कैन दे राइट, क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान के मानिंद कोई बुक लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? इतनी आसानी से सुनोगे यारो, दीवानगी पैदा करो और लहक के बोलो यारो। If human want to write a book like Quran can the right, लिख सकते हैं। Answer was given by the computer, the super computer replied, you cannot write like the Quran, quite impossible, impossible to get even 63 octillion। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अजमते कुरान, हमारी ताकत हमारी हिम्मत। दुनिया के सारे इंसान मिलकर 5000 साल भी जी तोड़ कोशिश करें, जान तोड़ कोशिश करें, तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। अब जो लोग कहते हैं कि हम बना लेंगे, उनको तो पहले 5000 साल जिंदा रहना पड़ेगा। आज की दुनिया में 60 ईयर्स जिंदा रहना मुश्किल है, तो 63 अक्चरियन ईयर्स 5000 साल कौन जिंदा रह सकता है? हैरत की बात है, ये कंप्यूटर आज कह रहा है बट मोर देन 1400 ईयर्स एगो टेक द प्रिमिटिव बुक माय कुरान टोल्ड अस कॉल अल्लाह तबाराक व तआला फिल कुरान अल मजीद कुल इन इजतमअत अल इंस वल जिन अला अन तू बिमिस्ली हादल कुरान, जिन्नो इनसे ग्रोह जमा हो जाओ इस बात पर कि ला सके कुरान की तरह कोई किताब वो हरगिज नहीं ला सकते। हैरत की बात है, हैरत की बात है, कुरान आज कह रहा है नहीं ला सकते। और सिर्फ एक शख्स को नहीं चैलेंज किया गया, सब मिलकर कोशिश करें तो भी मुमकिन नहीं। क्या जरूरत, हैरत की बात है, कुरान बार बार चैलेंज कर रहा है, पूरे कुरान का जवाब ला, 10 सूरतों का जवाब ला, एक ही सूरत का जवाब ला, क्या जरूरत थी रसूल से जंगे करने की? अगर मुमकिन था तो जवाब ले आते, तुम्हारा काम हो जाता नालायको। मगर ये कल का काफिर भी जानता था कि बद्र हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है मगर कुरान का जवाब नामुमकिन है। आज अमेरिका भी जानता है, इजराइल भी जानता है कि फिलिस्तीन पे बमबारियां करना आसान है मगर कुरान का जवाब मुहाल है, मुहाल है। वाह सुभान अल्लाह। नारे का जवाब दो, नारे का जवाब दो यार, लहक के बोलिए।
कुरान का जवाब मुहाल है, मुहाल है, मुहाल है। कुरान 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 के सामने कल भी दुनिया आजिज थी, आज भी आजिज है। कुरान कल भी मौजिजा था, आज भी मौजिजा है। कल भी असर रखता था, आज भी असर रखता है। कल भी तासीर रखता था, आज भी तासीर रखता है। कल भी इसके इल्म का दरिया था, आज भी इल्म का दरिया बह रहा है। कल भी इल्म का समंदर था, आज भी इल्म का समंदर है। कल भी इसके लाखों आलिम थे, आज भी है। कल भी लाखों हाफिज थे, आज भी है। कुरान की हिफाजत कल भी हुई है, आज भी हो रही है। कुरान के सामने कल भी दुनिया गूंगी थी, बावनी थी, आज भी बावनी है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। लहक के बोलो सुभान अल्लाह। कुरान पाक पुराने पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में बहुत 100 सहीफे 3 किताबें मौजूद थी। प्लीज टेल मी व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान, बताइए कुरान पाक की क्या जरूरत थी। तो मालूम हुआ कि उनमें वो बातें नहीं थी जो निजामे कायनात कुरान लेकर के आया। लहक के बोलो, निजामे कायनात सिर्फ कुरान के पास है। और हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे, लेकिन हमने उनके साथ साथ ये भी देखा कि अंबिया किराम के मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें एक सदी के अंदर अंदर ही चेंज, न किताबें महफूज रही, न जिंदगियां महफूज रही, न पैगाम महफूज रहा। अब सवाल पैदा होता है, द क्वेश्चन राइज दैट इफ अल्लाह अल्लाह रिवील बुक हाउ डिड सिलेबस चेंज इट, अल्लाह ने किताबें नाजिल फरमाई तो बंदों ने कैसे बदल दिया। तो आओ शाह मीरा में रहने वालों, कि मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ज़करिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूनुस इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जावेद इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूसुफ इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत शुएब इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दानियाल इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ज़ुल्किफ़ इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट। बदलने दो दुनिया वालों को किताबें, अगर एक किताब बदली गई दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया तो दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर शाहे मीरा में आने वालों, जब अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को मबूद करने का फैसला कर लिया, उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी, हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। इन्ना नहनु नज़ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया और हम खुद ही हिफाजत करने वाले हैं। कभी आपने गौर किया, तौरात लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, इंजील लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, ज़बूर लिखी गई तख्तियों पे, अइज़ाया तख्तियों पे, ग़ज़लुल ग़ज़लात तख्तियों पे, मलाकी तख्तियों पे, लेकिन खुदा की कसम कुरान पाक रोजे अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अजमते कुरान, अजमते कुरान, हमारी ताकत हमारी हिम्मत। कुराने पाक रोजे अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। तोड़ा जा सकता है, जलाया जा सकता है, बहाया जा सकता है, दिलों पे जो कुरान पाक नक्श है, इस मदरसे इदारे में देखते हो, उसे कैसे मिटाओगे। इसलिए तो मैं कहता हूँ, सुनो और ये तकरीर को सुने आप और इसको इतना उठाएं कि पूरी दुनिया में लोग इसको सुने। मैं कहता हूँ इसीलिए शाह मीरा के दरबार से हुजूर सादात किराम की मौजूदगी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से, सुनो दुनिया वालों, ईसाइयों की सारी किताबें, यहूदियों की सारी किताबें, नसरानियों की सारी किताबें,
किताबें, पारसियों की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, चीनियों की सारी किताबें, अतरस की सारी किताबें, पतरस की सारी किताबें, बौद्धिस्ट की सारी किताबें, ओलाटो की सारी किताबें, पोलाटो की सारी किताबें, सुकरात की सारी किताबें, बुकरात की सारी किताबें, कन्फ्यूशस की सारी किताबें, जरदुश्त की सारी किताबें, डार्विन की सारी किताबें, डार्विन की सारी किताबें, लेलन की सारी किताबें, लिंकन की सारी किताबें, नेपोलियन की सारी किताबें, जमा करो, पुट ऑन द ओशन, पुट ऑन द ओशन, समंदर में डाल दो, डाल दो, डाल दो, एंड कॉल देम, कॉल देम, कॉल देम, ए तोरा आ, ए ज़बूर आ, एंजिल आ, उपनिषद आ, आंगा आ, ओंपंगा आ, मेवला आ, सवित्रा आ, धमपत आ, सिद्धापत आ, जन्नत आ, दसातीर आ, गाथा आ, मथा मुरकुस लोका योहन्ना खुरूज पैदाइश हप्पू मुकाशिफा इस्तिस्ना अहबाह गिनती आदि गरण गुरु गरण दसम गरण लोन शिचैंग लिचैंग बिचैंग टीचैंग एक्सोडस जेनेसिस नंबर्स टीकस बुक ऑफ मार्क्स बुक ऑफ लोका दिलमुजा बर्नाबास कोई किताब नहीं आएगी मदरसा रईस उलूम में आओ बुलाओ ऐ कुरान आ यहाँ का आठ साल का बच्चा आ जाएगा वाह वाह अरे खड़े होके नारा लगा खड़े होके लगा नारे नारे रिसालत नारे हैदरी इंतखाबे हुजूर रईसे मिल्लत इंतखाबे हुजूर रईसे मिल्लत इंतखाबे हुजूर रईसे मिल्लत लग के बोलो कोई किताब नहीं आएगी रे इस्लाम पे हंसने वालों कुरान पे हंसने वालों मदरसे में आओ जंगल में मंगल है सुभान अल्लाह जब उनके एक बेटे की ये करामत है तो पूरी दुनिया में कितने बेटे हैं वाह 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 मदरसे में आओ आप बुलाए कुरान आ आठ साल का बच्चा खड़ा हो जाएगा इसलिए कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है हमारी किताब हमारे सीनों पे नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी अस्मते कुरान अस्मते कुरान बरकते कुरान इंतखाबे हुजूर रईसे मिल्लत बोलो यार इतनी आसानी से मैं कलेजी निकाल रहा हूँ कलेजा निकालो बोलो मेरे यार लहक बोलो है ना दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह देखो आप ये जामिया रईसुल उलूम जिसकी धमक सिर्फ हिंदुस्तान और गुजराती में नहीं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में है और हजरत की पहली करामत यहाँ पे मैं पांव रखा और तरावी कैप्टन में फिर इंशाल्लाह का सैयद जहीर अल अब्बास सज्जादा नशी खानकाहे कादरिया अक्कास महाराष्ट्र कारी साहब मौलाना साहब अल्लामा साहब आप हमारे यहाँ तरावी पढ़ा चार साल से इनसे मुलाकात ही नहीं हो रही थी कोरोना ने ऐसा रोका था कि सब कुछ रुक गया था रईस मिल्लत का दम है कि इंडिया में नहीं मॉरिशस में पहुंचाते नजर आ रहे
सुभान अल्लाह, ये तो इब्तदाई इश्क है, होता है क्या? आगे आगे देखो रूहुल अमीन होता है क्या? लहक के बोलो और सुनिए, ये मदरसा आपसे कह रहा है, सुनो कुरान की बालादस्ती। आज लोग मदरसे पे हंसते हैं, सुने, आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है, डॉक्टरेट की किताब लिखने वाला इंसान है, कोई इंजीनियर बनता है, किताब लिखने वाला इंसान है। इफ सम बिकम्स अ डॉक्टर, द राइटर ऑफ डॉक्टर बुक इज अ मैन। इफ सम बिकम्स अ ऑरेटर, द राइटर ऑफ ऑरेटर बुक इज अ मैन। इफ सम बिकम्स अ परफॉर्मर, द राइटर ऑफ परफॉर्मर बुक इज अ मैन। इफ सम परफॉर्मर, इफ सम बिकम्स अ इंफॉर्मर, द राइटर ऑफ इंफॉर्मर book is the man. If some becomes architecture, the writer of architecture book is the man. If some becomes a barrister, the writer of barrister book is the man. If some becomes a IPS, the writer of IPS book is the man. If some becomes a IPS, the writer of IPS book is the man. Koi doctor ban raha hai, kitab likhne wala insaan hai, प्रोफेसर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है, लेकिन खुदा की कसम, ये हाफिज़े कुरान छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान है, उसका नाजिल करने वाला रहमान है। तो हुजूर रईस से मिल्लत शाह मीरा से पूरी दुनिया को बता रहे हैं, ए दुनिया वालों सुनो, जब दुनिया हाफिज़े कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिबे कुरान का जवाब कहां से लाएगी? जब नक्शे कदम की बराबरी नहीं हो सकती तो शाह उमम की बराबरी कैसे हो? सरकार बेमिसाल है अपनी सिफात में, उनका जवाब कोई नहीं कायनात। मुझे मालूम है वक्त किल्लत दामनगीर नहीं गर्दनगीर है, लेकिन मैं भी कल से भरा हुआ हूं, तो इसीलिए कुछ निकालने का टाइम मुझे मिल जाए। ये देखें आप, बस 10-15 मिनट और लूंगा मैं, और फिर मैं हाशिए पर नहीं, बिल्कुल यहां से लेकर के वहां से सब कुछ चला जाऊंगा इंशाल्लाह। Amen, accepted Islam in Germany. जर्मनी में एक साहब ईमान ले आए, जो बहुत बड़े एथिस्ट और दहरियत है, ईमान ले आए, कुरान के मुवल्लिक बन गए, बोलो बोलो। और लोग उनके पास कह रहे, पूरी दुनिया में इस्लाम मुखालफत की हवा चल रही है, तुम इस्लाम कबूल कर लिए, क्या बात है? तो उसने कहा, ये देखे, उनका नाम है लोग इसके पास जाते हैं, कहते हैं सर आप ईमान क्यों लाए हैं, बताइए इसकी वजह क्या है? तो उसने कहा, कि हम अपने मजहब से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब इंजील मुकद्दस गॉस्पेल, आपने इंजील का नाम सुना होगा, जो तब्दील शुदा है वो यही है, इस वक्त ये मेरे हाथ में है, आप देख सकते हैं। कहते ईसाइयों का दावा है कि अपने मजहब से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब इंजील मुकद्दस से बहुत करीब है, और ईसाइयों का दावा, क्रिश्चियनों यहूदियों का दावा है कि हम अपनी किताब तौरा से बहुत मोहब्बत करते हैं, एंड वी आर नियरेस्ट अवर बुक तौरा, और मुसलमानों का दावा है कि हम कुरान पाक से बहुत मोहब्बत करते हैं, हम इस्लाम से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब कुरान मुकद्दस से करीब है। तो वो कहते हैं, रिसर्च करूंगा कि कौन सही है कौन गलत है, मैं नहीं जानता, कौन खराब है, कौन रद्दी है, कौन फासिद है, कौन मायूब है, कौन नाकिस है, कौन अच्छा है, कौन अच्छा है, कौन अच्छा है, कौन शानदार है, कौन जानदार है, मैं नहीं जानता। आई शुड रिसर्च, मैं रिसर्च करूंगा, हु इज राइट, हु इज रॉन्ग, कौन अपने मजहब से करीब है और कौन दूर है। तो उसने क्या किया, अपनी एक टीम बनाई, इंजील मुकद्दस को लेता है और एक
कातिब के पास जाता है जिसका भी कोई मजहब नहीं था। कहा मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, करना क्या है? बोला एक डुप्लीकेट इंजिल बनाना है। उसको बोलो भैया तो पहले से डुप्लीकेट है, अब क्या इसको डुप्लीकेट करेगा? कहा कि डुप्लीकेट बनाना, कहा करना क्या? गिव मी पेन प्लीज। ये देखो, कहा ये तो पहले से डुप्लीकेट है। मैं कह रहा हूं ये बात उसने नहीं कही। कहा एक डुप्लीकेट इंजिल बना, मुझे टेस्ट करना है। क्यों? कहा मैं ईसाइयों को टेस्ट करूंगा। ये बोलते अपने मजहब से बहुत करीब है, देखते हैं क्या है इसकी हकानियत और इसमें कुछ हकीकत है कि सिर्फ दावा है। उसने कहा करना क्या है? कहा करना क्या है, जो बातें मता में है उसको मुर्कुस में मारो और जो मुर्कुस में है उसको मता में, लिटिल बिट, थोड़ी बहुत। जो यूहन्ना में है उसको रसूलों के अमाल में, जो रसूलों के अमाल में है उसको यूहन्ना में, और जो रूमियों के नाम में है उसको कुरुंथियों में करो, और जो कुरुंथियों में है उसको रूमियों के नाम में, जो इफ्सियों में है उसको फिलिप्सियों में करो। और जहां जहां गड़बड़ करना याद रखना, वक्त पे सही कर सके। इधर से उधर करने के बाद एक महीने में किताब कंप्लीट हो गई। वो किताब को लेकर के गया एक पादरी के पास। कहा सर आई हैव रिटन इंजील, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट, ये मैं आपको देने आया हूँ। ही वाज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ। कहा सर पढ़ के बताइएगा, दिस इज माय एड्रेस, ये मेरा पता है, वो अपने घर या अपने घर। अब ये सोच रहा क्या रे, वो अभी घर जाएगा या चर्च जाएगा, इंजील को खोलेगा, देखेगा अरे जो बातें मता में है लिटिल बिट मुर्कुस में, मुर्कुस को लुका में, लोका को यूहन्ना में, यूहन्ना को थोड़ी बहुत उधर, वो तो आएगा मुझे पकड़ेगा, मेरी ठोकाई करेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि देयर इज नो सेफ्टी ऑफ दिस बुक इंजील, इसकी हिफाजत बिल्कुल नहीं है। तो उनका ये दावा कि हम अपनी किताब से बहुत करीब है, का बिल्कुल बेकार है, जो बाइडन का बिल्कुल बेकार है, ट्रंपवा का बिल्कुल बेकार है। उसके बाद उस लेते हैं तोरा, तोरा लेकर के उसी के पास गया, कातिब के पास। कहा इसमें भी कुछ करोगे? हम लोग जानते हैं इसमें भी कुछ किया हुआ है, बहुत कुछ किया है। कहा करना क्या है? कहा जो बातें लिफ्टिकस में है उसको जेनिसस में मारो, लिटिल बिट, थोड़ी बहुत, और जो जेनिसस में है उसको लिफ्टिकस में मारो, जो नंबर में है उसको एक्सोडस में मारो, और जो एक्सोडस में है उसको जेनिसस में, जो मुकाशफा में है उसको अखबार में, अखबार को मुकाशफा में, गिनती को इधर उधर करने के बाद जो बातें दरिया नील में है उसको कुहे तूर पे कर दो, और जो कुहे तूर पे है उसको घसीट के दरिया नील में ले आओ। इधर उधर करने के बाद में वो गया किसके पास? यहूदी के उलमा को रबाई कहते हैं। कहा सर आई हैव रिटन तोरा, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट, ही वाज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ। कहा सर पढ़ के बताइएगा मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं, दिस माय एड्रेस, ये मेरा पता है, वो अपने घर या अपने, सोच रहा अरे अभी वो रबाई सिनेगॉग जाएगा, तोरा को खोलेगा, देखेगा अरे जो बातें जेनेसिस में उसको नंबर्स में, नंबर्स को एक्सोडस में, एक्सोडस को लिप्टिकस में, मुकाशफा को अखबार में, अखबार को मुकाशफा में, गिनती को खुरूज में, खुरूज को पैदाइश में, वो तो आके मेरी ठोकाई करेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि अरे देयर इज नो सेफ्टी ऑफ दिस बुक तोरा, इसकी भी हिफाजत बिल्कुल नहीं है। उसके बाद उसने कुरान पाक को लिया। एक एक की शिरकत, ये बेईमानी होगी अगर शिरकत नहीं करोगे, बोलो बोलो यहां से लेकर वहां तक, वहां से यहां तक, एक एक की शिरकत यार, लहक के बोलिए। एक तरफ से तो गम दे दिया है मुल्क वालों ने, मैं तो खुशी दे रहा हूं शाह मीरा के दरबार में। ये रईस मिल्लत है जो कभी चढ़ा के उतारते नहीं, चढ़ाते हैं तो चढ़ाते रहते। हमारी ताकत, हमारी हिम्मत, दस स्टेप चढ़ा दिया और आज धड़ाम से गिरा दिया। लहक के बोलो, इधर देखो। उसके बाद उसने कुरान शरीफ को लिया, कुरान शरीफ को लिया, लहक के बोलो। गया कातिब के पास, कहा है इसमें भी कुछ करोगे? उसने कहा चल बे, हमको मोहल्ले में रहना है कि नहीं? अरे इतना ढीला रिएक्शन, चल बे हमको रहना है कि नहीं, हमको यहाँ रहना है कि नहीं? वो चौंक गया, अरे तोरा में कर दिया, इंजील में कर दिया, बरनबास में कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, जबूर में कुछ नहीं, कुरान में बोलता हमको रहना है कि नहीं?
बर वो तो ईमान लाए उसे क्या मालूम क्या कह रहा। बर बोला तूने कॉन्ट्रैक्ट लिया है पैसे लेने के नहीं कहा का करो। बोला इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। कहा कि यू जस्ट राइट प्लेन लेटर्स, तुम सिर्फ सादी सादी आयतें लिख दो। मैं 10 साल लाइब्रेरियन रह चुका हूँ, मुझको जो करना मैं कर लूंगा। वो प्लेन आयतें लिख देते हैं, कुरान शरीफ का नुस्खा बनाते हैं, वो ले लेते हैं उनसे। और लाइब्रेरियन रह चुका था, एक कुरान को खोलता है, खोलने के बाद में अलियाज बिल्ला उसने देखा कहाँ पे जबर है तो उसने इसमें जेर कर दिया, उसमें पेश देखा तो इसमें जज़्म, उसमें सुकून, इसमें शद, यहाँ मत। और वो कुछ कुछ करके इधर उधर हाफिज जी के पास गया। अब यहाँ से उठिएगा, कहा हाफिज जी आई हैव रिटन कुरान, मैं 2020 का प्लेयर हूँ। इस तरह बोलते नहीं, लहक के बोलो एकदम। वो स्टेडियम को फेल करो, दुनिया के सारे स्टेडियम एक तरफ, शाह मीरा का ये दर एक तरफ। बात में दम है तो बोलना एकदम। यहाँ की आवाज सब पे भारी होनी चाहिए, बिल्कुल दम नहीं है, दम नहीं, दम नहीं। लो वहां तो टिकट लिए, अब बैठो या भाड़ में जाओ, लेकिन यहाँ आज अदब से बैठ जाओ, खुदा की कसम मैदान महशर में पहचाने जाओगे। तस्बीह किए, खुदा को याद किए, खुदा की याद में, रसूल की याद में पढ़े, अदब के साथ बैठे, उलमा को देखे, सैयदों को चूमे और इनके इरशादात फरमुदात पर अमल किए तो यकीनन बख्शिश होगी। मगर शर्त है नमाज भी पढ़ते रहो, रोजा भी रखते रहो, माँ बाप के साथ करो, अल्लाह ने दिया है। वो सब कौन बताएगा इसी दर से? तो आवाज कम नहीं होनी चाहिए, बिटवीन डिफरेंस, बिटवीन डिस्टेंस, बिटवीन वू एंड ही। लहक के बोलिए, वहां पे जाओ तो बिल्कुल मरा मरा होगा, यहाँ तो हरा हरा है। लहक के बोलो, तो उसने क्या लिया? जबर को जेर जेर को हाफिज जी, हाफिज जी, हाफिज जी के पास गया। हाफिज जी आई हैव रिटन कुरान, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी, हाफिज जी बहुत खुश हुए। कहा हाफिज जी पढ़ के बताइएगा ये मेरी कोशिश कैसी है। हाफिज जी अपने घर अभी जाके सो रहा, सोच रहा जब 68% क्रिश्चियन रहते हैं जर्मनी में, जब वो लोग नहीं आए तो ये 3% वाले क्या आए। ये 3% वाले क्या आएंगे। आराम से मजे से काम कर रहा था, मगर वो कहता है इवन 3 days had no passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। दीवानगी, यहां से दीवानगी चाहता हूं। अभी 3 दिन में नहीं गुजरे थे कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। When I come to out, जब मैं बाहर आया, आई सा, मैंने देखा हाफिज जी वाज इन सीरियस मूड। हाफिज जी वॉज इन सीरियस मूड। लहक के बोलो, हाफिज जी सीरियस मूड में हैं। हाफिज जी वॉज इन सीरियस मूड। और लहक के बोले दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना। हाफिज जी वॉज इन सीरियस मूड, हाफिज जी सीरियस मूड में है। और हमको देखे और उसके कॉलर को पकड़ लिया, कह रहे कहां से लिखवाया था। बोला कातिब से। कहा कातिब सो के लिख रहा था क्या? कहा को सो के लिखता है क्या? कहा सो के नहीं लिखा तो क्या है। बोला क्या है? अरे गधे यहाँ पर जेर है, तवज्जो चाहूंगा, ये रईसुल उलूम यहाँ पर है। ना इंसाफी नहीं, बोलो बोलो, यहाँ जेर है, अरे यहाँ पेश है, यहाँ जज़्म है, यहाँ जबर है, यहाँ पे मद है, यहाँ पे शद है, यहाँ मद्दे मुत्तसिल है, यहाँ मद्दे मुनफसिल है, यहाँ वक्फे लाजिम है, यहाँ वक्फे मुआनका है, यहाँ पे वक्फे मुनज़्ज़ल है, यहाँ पे वक्फे जिब्रील है। उसने किताबत में की थी अल्लाह के करम से हाफिज जी ने सबको काट काट कर, 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 काट काट
दिया, उसी वक्त वो देहरिया गिरा और पुकारने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरह पुराने पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अस्मते कुरान, अस्मते कुरान, अस्मते कुरान, अस्मते कुरान, बरकते कुरान, बरकते कुरान, उर्से सरकार शाहे मीरा। रईस मिल्लत, रईस मिल्लत, दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक एक तरफ, सब में मिलावट हो सकती है मगर कुरान पाक में नहीं। तो मैं समझ गया कि मुसलमान अपने ईमान में सच्चे हैं और कुरान के पहरेदार हैं। अल्लाह के करम से इनके यहाँ हाफिजे, घर घर में हाफिजे कुरान है, इसीलिए मुझे कन्वर्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं मुसलमान हो गया हूँ। आज दुनिया हमें चैलेंज करती है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस्लाम दहशत गर्दों का मजहब है, इसका मजहब है, उसका मजहब है। मैंने कहा सुनो, अल्लाह का करम है जो जनवरी में अकबक बोलता है, बकलोली करता है, फरवरी में ईमान ले आता है, फरवरी वाला मार्च में, मार्च वाला अप्रैल में बस हजरत का करम हो जाए, सब कुछ गर्म हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ फिर मैं चलूँ, मेरे पास जो है लंबी फहरिस्त है, इतना बहुत है इंशाल्लाह, फिर जिंदगी रही तो आएंगे तो फिर देखेंगे इंशाल्लाह। ला के बोलो, जनवरी फरवरी मार्च सब लोग ईमान ला रहे, इस्लाम फैलता जा रहा है दुनिया में सबसे तेजी के साथ। दो शेर सुनो मैं निकला, शेर समाप्त करें, मगर ऐसे नहीं सुनाऊंगा, बिल्कुल दीवानगी के साथ। निकल कर गूंज गूंज, निकल कर कुफर से इस्लाम, आप बोलिए ना, निकल कर कुफर से इस्लाम की दामन में आएंगे, निकल कर कुफर से इस्लाम के दामन में आएंगे, खुदा के सामने ये सर भी अपना सर झुकाएंगे, खुदा के सामने ये सर भी अपना सर। मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे शाह मीरा, फिर आवाज कम हुई ना, मुझे यकीन है मेरे शाह मीरा, मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे शाह मीरा, एक दिन ऐसा भी आएगा, मुझे बिल्कुल शाह मेरा एक दिन ऐसा भी आएगा, मुसल्ला मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े पढ़ाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अस्मते इस्लाम, अस्मते इस्लाम, अस्मते कुरान, अस्मते कुरान, बरकते कुरान, हमारी ताकत हमारी हिम्मत। अभी तो बोलते अजान मत दो तो नमाज मत पढ़ो, मुसल्ला, बस अपने आप को आप ठीक कर लीजिए, मुसल्ला
वो बिछाएंगे नमाज़े हाँ पढ़ाएंगे मुसल्ला बिछाएंगे नमाज़े हाँ पढ़ाएंगे मुसल्ला वो बिछाएंगे नमाज़े हाँ पढ़ाएंगे मुसल्ला वो बिछाएंगे। अब क्या हुआ? मुसल्ला हम इधर बिछाए उधर इमाम को देख रहे हैं। तशरीफ रखे आएंगे तो इंशाल्लाह ऐलान कर दिया जाएगा। शेख बैठे हैं आप लोग, कोई भी आएगा तो ऐलान कर दिया जाएगा। जानशीन मखदूम सिमना बैठे हैं, हमारे हुजूर रईस मिल्लत बैठे हैं, आप लोग तशरीफ रखें। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला वस्त चंद लम्हे में इंशाल्लाह रौनक स्टेज होंगे और आप उनका खिताब नायाब सुनाएं। मुसल्ला वो बिछाएंगे नमाज़े हुजूर रईस मिल्लत का पैगाम पूरी दुनिया के नाम अशरफुल उलूम के हवाले से। न बंगला देश पाकिस्तान और न चीन वाले हैं। हजरत अल्लामा मुफ्ती मेहदी हसन साहब ने कहा था, आइए मौलाना बहुत आपको अच्छा लगेगा। माशाल्लाह जितना बोले उससे कहीं ज्यादा मैं महसूस कर रहा हूँ। न बंगला देश पाकिस्तान और न चीन वाले हैं, अरे वतन से प्यार है हमको मोइनुद्दीन वाले। प्यार है हमको मोइनुद्दीन वाले हैं, वतन से प्यार है हमको मोइनुद्दीन वाले हैं, वतन से प्यार है सबको मोइनुद्दीन वाले हैं। और हम भटकल से हमारे तार को मत जोड़िए, यासीन भटकल से हम ऐसे लोग हैं जो सूरह यासीन वाले फिनिशिंग पॉइंट। वस्सलामु अला मन इत्तबा अल हुदा। सारी दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकते नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है चमकता ही रहेगा। है नामे रईस मिल्लत इश्के इश्के रिसालत का वो सिक्का, है नामे रईस इश्के रिसालत का वो सिक्का, बाजारे मदीना में खनकता ही रहेगा। लेट बी क्वाइट हॉट मैन ऑल पोस्टपल स्टैप्स टू रिच एंड नॉरिश माय इस्लाम माय हदीत माय कुरान माय शहीद आजम माय इमाम आजम माय गौसे आजम माय हुजूर सैयद शाह मीरा माय ख्वाजा हिंदलवली माय मखदूम समना माय मखदूम बिहारी माय हजरत निजामुद्दीन कुतुबुद्दीन फरीदुद्दीन अलाउद्दीन बदीउद्दीन ताजुद्दीन
मैं आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद, मैं हाफिज मिल्लत बुरहान मिल्लत, मैं सदुल फाजिल, मैं हुजूर रईस मिल्लत, मैं शेख मिल्लत, मैं शेखुल इस्लाम, मैं हुजूर मोइन मिल्लत, मैं हुजूर जामिया मिल्लत, मैं ऑल सुन्नी पीरान उद्दाम, वल्लाह यू बिस्टिन टू बिस्टिक आंट माय ब्रो दैट्स ऑल। इस अंगारे खाकी में होता है जब यकीन पैदा, तो कर लेता है बालों परे रूहल अमी पैदा।